चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत सिकित सुरक्षित वन के जतराही गांव के ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों व जवानों पर निहत्थे ग्रामीण महिलाओं व बुजुर्गों के साथ बर्बरतापूर्ण तरीके से मारपीट कर घायल करने व 7 निर्दोष ग्रामीणों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने का गंभीर आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए मनमाने तरीके से ग्रामीणों के पुश्तैनी जमीन को वन भूमि बताकर बगैर पूर्व सूचना व नोटिस के वन अधिकारियों द्वारा उक्त भूमि पर जेसीबी चलाकर ट्रेंच खोदने व वृक्षारोपण कर उनके खानदानी खेती बाड़ी से वंचित करने का भी गंभीर आरोप आक्रोशित ग्रामीणों ने वन अधिकारियों पर लगाया है। इसे लेकर चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल कार्यालय के मुख्य द्वार पर महिलाओं व ग्रामीणों ने जमकर हंगामा करते हुए वन विभाग के विरुद्ध नारेबाजी कर जेल भेजे गए निर्दोष ग्रामीणों पर अविलंब बिना शर्त रिहा करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के अधिकारियों ने बगैर पूर्व सूचना न सिर्फ खेती बाड़ी पर रोक लगा दिया है बल्कि गांव में घुसने के मुख्य रास्ते को भी खोद दिया है। तो जो इसे कटाई गए गोले गोले ट्रेंच फोरेस वाला भी रोड कट गए है, प्लस में कि मरनी जीनी आने जाने वाला रास्ता बहुत दिक्कत हो रहा है। गरीब लोग तो भूखा मरे लाइए है, खेत बाड़ी ट्रेंच कटाइए गए अब वन विभाग आगे जीते, मगर कम से कम वन विभाग के रोड भी देना चाहिए। अब रास्ता रोड से टका गए तो आदमी भूले चले कहाँ, मरनी जीनी एकदम बिल्कुल एकदम वही रास्ता से है, जीना भी मरना भी सब वही रास्ता से गुजर रहे लोग, तो गरीब लोग जाए कहाँ। और साथ ही कारण खातिर सारे लड़ाई झगड़ा यही रोड खातिर होले 7 गो जो कि जेल में बंद है, पकड़ के ले आकर के बंद लोग कर ले। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए सुरक्षित वन भूमि पर कैंप योजना के तहत वृक्षारोपण के उद्देश्य से गड्ढा खोदने व घेराबंदी करने एवं ट्रेंच खोदने की बात कही है। रेंजर सूर्यभूषण कुमार ने बताया कि सिकित वन अंतर्गत जतराही गांव के ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग पर नाजायज तरीके से घर बनाते हुए जोत कोड़ कर अवैध कब्जा करने की साजिश की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद कैंपा योजना क्रियान्वयन के उद्देश्य से मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने वन भूमि को मापी कराते हुए उसकी घेराबंदी के उद्देश्य से ट्रेंच खुदवाया है, जिसका मौके पर कुछ ग्रामीण कानून को हाथ में लेते हुए गलत तरीके से विरोध कर रहे थे। मना करने के बावजूद सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। रेंजर ने कहा कि जतराही जंगल सिकित वन के अंतर्गत आता है, जिस पर वहां के अनुसूचित जनजाति परिवार के लोग व ग्रामीण अपना कब्जा बताकर वन विभाग को सरकारी कार्य करने से रोक रहे हैं। हम लोग कैंपा योजना के तहत वहाँ वनरोपण का कार्य चल रहा है, तो वहाँ हम लोग का पीट किया हुआ था, कंट्रोल किया हुआ था, ये लोग अवैध कब्जा करने के उद्देश्य वो पीट और कंट्रोल को भर रहा था और जमीन को कब्जा करने जा रहा था। इसी के तहत हम लोग वहाँ से 7 आदमी को पहले हम लोग मना किए, वो लोग नहीं माना, वो लोग का उद्देश्य था कि हम लोग इसमें जोत कोड़ करेंगे, पौधा नहीं लगने देंगे। इसी के तहत 7 व्यक्ति को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की गई है। तो सर, लेकिन आप लोग तो रोड भी रोक लगा दिए, रोड पर कहीं कोई रोक नहीं है, रोड कहीं रुकता थोड़ी है, रोड के तो आने जाने के लिए रास्ता मिलता ही है। हाँ, तो ट्रेंच रास्ता दिया गया है, ट्रेंच तो काट जो अनलीगल ढंग से कहीं झोपड़ी झापड़ी बना दिया है तब उसको तो झोपड़ी हटाना ना होगा, वो तो उद्देश्य है उसका गलत है, तो उसको रास्ता दे करके अब हम लीगली नहीं ना बनाएंगे। चतरा से न्यूज विंग के लिए धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट।